हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक गुड न्यूज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं रेगुलर और एनसीवाई वालों के लिए। अगर आप ये एसवाईएल से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने DU में, आपको बता दूं कि रेगुलर और एनसीवाई वालों के लिए ही एडमिट कार्ड रिलीज करे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रही थी बच्चों की कि कैसे हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जाना होगा DU result.DU.AC.IN वाले पेज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तब आप यहाँ पर सीधा आप ओपन कर लेंगे ये वाला पेज। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट पोर्टल पर आपको लिखा होगा कि स्टूडेंट लॉगिन पेज है ये, आप देख सकते हैं। ओनली फॉर फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट NCVIM सर्टिफाइड एंड डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या भरकर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज नेम डालना होगा कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे आप किससे बिलोंग करते हैं, जैसे भारती कॉलेज जैसे हमने डाला। फिर उसके बाद आपको एडमिशन रेफरेंस नंबर डालना होगा, यहाँ पर स्टूडेंट नेम डालना होगा, यहाँ पर जिस पे भी ये स्टार बन रहा रेड कलर का, ये मैंडेटरी है, ये आपको जरूर भरना होगा। स्टूडेंट नेम के बाद आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपना, और फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके आगे एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको एडमिट कार्ड आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ध्यान रखें, DU result.DU.AC.IN पर जाकर, स्टूडेंट पोर्टल ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नीचे, यहाँ पर जाकर ये आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पे पोर्टल पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा जिसे फिल कर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड जो है अभी सिर्फ और सिर्फ NCVIM और रेगुलर वालों के लिए आया है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, चाहे वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज क्यों ना हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स कराता रहता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी मैंने एनवायरमेंटल साइंस पे वीडियो शुरू करी है बनाना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, आप प्लीज़ उन्हें जाकर फायदा उठाएं। और हमारी जो बेल है, आइकन है जो चैनल की, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक रखें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते तो आप तक नहीं पहुंच पाती है वो किसी कारणवश, तो प्लीज़ सतर्क रहें। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं हम आपको पूरा करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता, तब तक के लिए बाय बाय।